हेलो दोस्तों, आज हम वीबी डॉट नेट प्रोग्राम फॉर ब्लिंकिंग एंड इमेज देखने वाले हैं। प्रोग्राम ये है, राइट वीबी डॉट नेट प्रोग्राम फॉर ब्लिंकिंग एंड इमेज। तो चलिए देखते हैं। मैं सिर्फ एक मैं एक नया फॉर्म यहाँ पे ले लेता हूँ, राइट क्लिक करके ऐड विंडोज फॉर्म। मैं उसे नेम देता हूँ FRM ब्लिंकिंग इमेज। यहाँ पे हमें सिंपल एक इमेज लेनी है और कंटिन्यूअसली वो ब्लिंक करनी है। तो उसके लिए मुझे एक पिक्चर बॉक्स चाहिए होगा, तो पिक्चर बॉक्स में यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं इमेज मुझे स्ट्रेच करनी है फुल और पैरेंट कंटेंट में फुल डॉक करनी है। यहाँ पे मुझे एक इमेज सेट करनी है, तो चूज इमेज करके मैं लोकल रिसोर्स से आप या फिर आप प्रोजेक्ट में इंपोर्ट भी कर सकते हो। मैं लोकल रिसोर्स से वो इमेज ले रहा हूँ इंपोर्ट। मेरे पास जो भी इमेज होगी मैं इमेज वो सपोज मेरे पास ये इमेज है, वो इमेज मैंने ले ली। ओके सेट कर रहा हूँ, यहाँ पे इमेज सेट हो गई है, लेकिन मुझे इमेज कंटिन्यूसली ब्लिंक करनी है। मुझे इमेज कंटिन्यूसली ब्लिंक करनी है। मैं पहले तो एक प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे सेकेंड फॉर्म रन करना है। तो यहाँ पे मैं स्टार्टअप फॉर्म ब्लिंकिंग इमेज का रख देता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, ताकि हमारा जो भी अभी हमने प्रोजेक्ट फॉर्म बनाया वही रन हो। ये इमेज तो आ गई लेकिन वो ब्लिंक नहीं हो रही, हमें वो इमेज कंटिन्यूसली ब्लिंक करनी है। तो उसके लिए मुझे टाइमर लेना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से टाइमर कंट्रोल यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे कंटेनर कंट्रोल में यहाँ पे एक टाइमर दिख रहा है, टाइमर को हम इनेबल ट्रू कर देते हैं। उसका इंटरवल 100, कुछ जितना जितने फास्ट आपको वो चाहिए। मैं 1000 एंटर कर देता हूँ, मतलब वो 1 सेकेंड के बाद ब्लिंक होती रहेगी। लेकिन हमें टाइमर पे कोड लिखना होगा ब्लिंकिंग के लिए। If पिक्चर बॉक्स वन डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू है, तो हम क्या करेंगे, पिक्चर बॉक्स डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स करेंगे। एल्स में हम पिक्चर बॉक्स वन डॉट विजिबल इक्वल टू ट्रू करेंगे। मतलब अगर वो विजिबल ट्रू है तो फॉल्स करेंगे, अगर फॉल्स है तो ट्रू करेंगे। अभी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। 1 सेकेंड के बाद हमारी इमेज ब्लिंक हो रही है। आप ये थोड़ा सा फास्ट करना चाहते हो तो आप सिंपल आप इसकी प्रॉपर्टी चेंज करो, टाइमर सिलेक्ट करो यहाँ पे, और इंटरवल यहाँ पे मैंने 100 किया। 100 मिलीसेकेंड्स के बाद आपकी इमेज कंटिन्यूसली ब्लिंक हो जाएगी। तो ये था हमारा ब्लिंकिंग इमेज का प्रोग्राम। सिंपल सा कोड है, आपको प्रॉपर्टीज ध्यान में रखने होंगे। हमने टाइमर की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेट की है। टाइमर आपको एनेबल करना है पहले, एनेबल ट्रू, और इंटरवल में आपको 100 जो भी आपको इंटरवल चाहिए होगा 100 1000 मिलीसेकंड्स में आपको यहाँ पे वैल्यूज लिखनी है। आप चाहे तो 500 भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। और इमेज हमने सेट की है पिक्चर बॉक्स में, और टाइमर पे हमने कोड चेक किया है पिक्चर बॉक्स 1.विजिबल अगर ट्रू है तो हमें विजिबल फॉल्स करना है, और एल्स में हमें ट्रू करना है। सिंपल इतना ही कोड आपको लिखना है। थैंक यू।